हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील सर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बायोलॉजी स्पॉटिंग के लिए होगा। तो बेसिकली अगर आपको 10 मार्क्स चाहिए इजिली, तो आपको ये पूरे वीडियो को एंड तक देखना होगा। इफ यू स्किप एनी सिंगल पार्ट ऑफ द वीडियो ना, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आप मिस करोगे। चॉइस आपका है, क्योंकि 10 स्पॉटिंग कवर करना है तो एटलीस्ट एक स्पॉटिंग के पीछे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, थोड़ा तो टाइम लगेगा, बट वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो विल बी वर्थ फॉर यू। एंड आई प्रॉमिस कि आपको बहुत ज्यादा इजिली समझ में आ जाएगा कि आप कैसे 10 में 10 स्कोर कर सकते हो इन योर स्पॉटिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला बच्चा, हम बात कर रहे हैं स्पॉट ए के बारे में। जैसे ही आप स्पॉट ए पे जाओगे, सो लॉजिकली स्पॉट ए जो है वो अडेप्टेशन से रिलेटेड है। स्पॉट ए इज रिलेटेड टू अडेप्टेशन। दूसरा पार्ट जो उससे रिलेटेड है वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो आपके पास ना यहां पर 3-4 ऑप्शंस दिखेंगे जिसके दम पे आप स्पॉट ए बता सकते हो। देखो, एक सिंपल लॉजिक है कि दो तरीके का अडेप्टेशन आप देखते हो। एक विंड पॉलिनेशन के ऊपर बेस्ड है। विंड पॉलिनेशन के लिए जो वहां स्पॉट रखा होगा, कोई भी नॉर्मल फ्लावर, कोई फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस जो कलरलेस होगा, तो वो विंड पॉलिनेशन के लिए है। अगर वहां पे कलर्ड फ्लावर रखा, जैसे मोगरा रख दिया, हिबिस्कस रख दिया, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, इंसेक्ट पॉलिनेशन। जैसे ही बच्चा आपने इंसेक्ट पॉलिनेशन या विंड पॉलिनेशन जो भी वहां स्पॉट होगा उसके ऊपर लिखा, आपका हाफ मार्क्स तय होता है। नेक्स्ट क्या, अगर आपको आता है तो आप लिखो विंड पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीमोफिली। दिमाग लगाओ, विंड पॉलिनेशन है तो क्या, फ्लावर ब्राइट नहीं होंगे, कलरफुल नहीं होंगे, अट्रैक्टिव नहीं होंगे, नो नेक्टर नो सेंट, दो पॉइंट लिखो, गेट फुल मार्क्स। इंसेक्ट पॉलिनेशन दिया तो क्या, फ्लावर कैसे होगा, ब्राइट होगा, कलरफुल होगा, अट्रैक्टिव होगा, नेक्टर होगा, सेंट होगा, लिखो, गेट योर हाफ मार्क्स। इफ नॉट, अगर फ्लावर नहीं रखा, तो मान लो वहां पर फ्लावर के साथ कभी कभी फोर्सेप रख देते हैं, फोर्सेप रख देंगे, ब्लेड रख देंगे, या फिर सीजर रख देंगे, कुछ भी रखा, तो ये एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है जिसको आप इमैस्कुलेशन कहते हो। तो अगर आपको स्पॉट ए पे कलर फ्लावर या व्हाइट फ्लावर के जगह पे यू गेट टू सी फोर्सेप, ब्लेड, सीजर एंड फ्लावर, लिखो ये इमैस्कुलेशन है। इट इज अ हाइब्रिडाइजेशन स्टेप एक्सपेरिमेंट। इमैस्कुलेशन होता क्या है, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, दैट इज द एंथर बिफोर एंथेसिस। क्यों करते हैं, टू प्रोड्यूस मोर ऑफ फीमेल फ्लावर, दैट इज व्हाट वी डू। या फिर अगर प्लास्टिक बैग बांधा है बेटा, तो वो होता है बैगिंग, और नीचे अगर प्लास्टिक बैग नहीं है, पॉट में टैग लगा रखा है, तो वो होता है टैगिंग। तो टैगिंग में बेसिकली क्या लिखोगे आप, कि इट इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। टैगिंग में क्या होता है, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक स्टडीड, फिनोटाइपिक रेशियोस, जो भी आप चाहोगे वो लिख सकते हो। बैगिंग, प्लास्टिक बैग बांधा होगा, कभी कभी कुछ कॉलेज में फ्लावर में बैगिंग करते हैं, कुछ ऐसे लीफ में बांध देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कहां है। अगर पॉट में यू आर गेटिंग अ प्लास्टिक बैग ऑन द टॉप, then you have to say it is bagging. What is bagging? A step of hybridization experiment. Why bagging is done? Bagging is done to prevent unwanted pollination on the female flower. तो बच्चा, spot A में आपके लिए अब confirm हो गया कि color flower दिया तो wind pollination या तो insect pollination, जो रहेगा दो एक, फिर आपको या तो तीसरा option emasculation का मिल सकता है, चौथा bagging का, पांचवा tagging का। ये पांच को ऐसे दिमाग में आप बैठा लो, स्पॉट ए में इन्हीं पांच में से कोई एक आएगा। आई होप योर स्पॉट ए इज क्लियर। अब नेक्स्ट जो आता है बच्चा, सेकेंड मार्क्स के लिए स्पॉट बी। अब सवाल उठता है कि स्पॉट बी में क्या होगा सर। तो बेटा, स्पॉट बी में आपके पास एक्सपेरिमेंट्स है। पहला एक्सपेरिमेंट क्या, पेपर क्रोमैटोग्राफी। अब ना पेपर क्रोमैटोग्राफी का मजेदार बात यह होता है कि एक स्टैंड होता है, टेस्ट ट्यूब होता है, उसमें ना क्रोमेटोग्राफी का ऐसा पेपर रखा होता है। अगर आप थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट होगे ना, थोड़ा सा भी, क्या करने का ना, इधर देखने का क्या लिखा हुआ है, उस पेपर पे ऑलरेडी लिखा होता है बेटा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, ऐसा सब लिखा होता है। तो आपको लिखना क्या है,
स्पॉट बी में अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा दिया तो इट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, प्लांट पिगमेंट सेपरेशन. नाउ दिस पेपर क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स द प्लांट पिगमेंट बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट. पूरा एक मार्क मिल गया, एज सिंपल. अब सवाल ये उठता है, सर अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं दिया तो क्या? तो बेटा आपको ना सेकेंड ऑप्शन में ऐसा स्टैंड में चार पत्ते बांध के दे सकते हैं. दे कैन पुट गिव यू फोर लीफ, तो इसको आप फोर लीफ एक्सपेरिमेंट कहोगे. लेकिन ये फोर लीफ किसके ऊपर बेस्ड है? ट्रांसपिरेशन के ऊपर बेस्ड है बेटा. जो फोर लीफ एक्सपेरिमेंटेड इज बेस्ड ऑन ट्रांसपिरेशन. अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी ना दे करके फोर लीफ दिया तो आपको लिखना है दिस इज फोर लीफ एक्सपेरिमेंट, इट इज यूज टू स्टडी द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो इसमें होगा क्या भाई? ए लीफ में ऊपर नीचे ग्रीस लगाओ, बी लीफ में सिर्फ नीचे ग्रीस लगाओ, सी लीफ में ऊपर ग्रीस लगाओ, डी में कहीं भी मत लगाओ. अगर बेटा ये भी नहीं रहा तो एक पैट्रिक डिश में रेजिन्स रखे होंगे. रेजिन्स समझता है, किसमिस जिसे हम कहते हैं किसमिस. अगर रेजिन्स रखा है ना तो सिंपल याद रखो ये इम्बिबिशन एक्सपेरिमेंट है. ये इंपॉर्टेंट है, इम्बिबिशन एक्सपेरिमेंट. तो स्पॉट बी में आपके पास ऑप्शन क्या है? पहला पेपर क्रोमेटोग्राफी दे सकते हैं, या तो फोर लीफ एक्सपेरिमेंट दे देंगे, या तो रेजिन्स रखेंगे, इम्बिबिशन. ये तीन में से कोई एक आया तो आइडेंटिफाई करने का हाफ मार्क्स और उसके बारे में एक दो पॉइंट लिखने का हाफ मार्क्स. कमिंग टू द नेक्स्ट स्पॉट बेटा, दैट इज स्पॉट सी. जैसे ही आपने स्पॉट सी बोला तो स्पॉट सी क्या है? अडेप्टेशन है. स्पॉट सी क्या है? अडेप्टेशन. दो तरीके में से कोई एक अडेप्टेशन कंफर्म है बेटा, या तो जेरिक यानी डेजर्ट, या तो एक्वेटिक यानी प्लांट का अडेप्टेशन. बेसिकली जेरिक अडेप्टेशन में अपुंशिया दे सकते हैं, कैक्टस. अब कैक्टस दिया ना पहचानो दिस प्लांट इज कैक्टस, सुनील सर ने बताया है. दूसरा जेरिक अडेप्टेशन है, डेजर्ट प्लांट का अडेप्टेशन है, ये डेजर्ट में सर्वाइव करने के काम में आता है. इतना लिखा, थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, गेट योर फुल मार्क्स. एक्वेटिक अडेप्टेशन में ना बेटा हम ज्यादा करके हाइड्रिला प्लांट रखते हैं क्योंकि वो इजी पड़ता है, सबमर्ज प्लांट है, थिन लीव्स है, वैस्कुलर बंडल पुअर है, रूट सिस्टम उतना होता नहीं, स्टोमेटा वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. अगर हाइड्रिला नहीं आया तो कभी कभी आइकॉर्निया पिस्टिया ऐसे आते हैं. लेकिन ज्यादा करके ना बेटा हम दो पे ही फोकस करते हैं, पहला कौन सा? अपुंशिया. दूसरा कौन सा? हाइड्रिला, जेरिक या तो एक्वेटिक अडेप्टेशन. नेक्स्ट जो स्पॉट आएगा ना बेटा वो है स्पॉट डी. स्पॉट डी कंफर्म है, ये माइक्रोस्कोप का होगा. अब माइक्रोस्कोप में भी क्या, तो यहां पे टीएस ऑफ टेस्टिस होगा बेटा, पहला बात. दूसरा वीएस ऑफ ब्लास्टुला का स्लाइड हो सकता है, या फिर टीएस ऑफ ओवरी का स्लाइड हो सकता है. ये तीनों में से कोई भी एक स्लाइड होगा. अब सवाल उठता है कि सर पहचाने कैसे? अरे बहुत इजी है लाला, सिंपल है. टीएस ऑफ टेस्टिस देखा ना, तो ऐसा वॉयलेट वॉयलेट गोल गोल रहेगा अंदर, वॉयलेट वॉयलेट गोल गोल, वॉयलेट कलर का ऐसा गोल गोल दिखा तो लिखनेगा टीएस ऑफ टेस्टिस. द गिवन स्लाइड इज फॉर टीएस ऑफ टेस्टिस. कैसे मालूम पड़ा? अड्डा बायोलॉजी का वीडियो देख के आया मैं, उधर दिया हुआ है, सर ने बोला है वॉयलेट कलर का गोल गोल दिखा तो टेस्टिस ही होगा. अच्छा ब्लास्टुला कैसे पहचाने? ब्लास्टुला पहचाने के लिए सिंपल है बेटा, तुमको ऐसा पिंक पिंक दिखेगा, सब पिंक पिंक, और बीच में कैविटी दिखेगा. तो लॉजिकली ये पिंक कलर का जो दिखा वो क्या है? वीएस ऑफ ब्लास्टुला. ब्लास्टुला क्या है? इट्स अ स्टेज ऑफ क्लीवेज, जहां पे टू स्टेज, फोर स्टेज, एट स्टेज, फिर ब्लास्टुला बनता है. ब्लास्टुला के बाद क्या? इम्प्लांटेशन. तो स्लाइड पहचानने का हाफ मार्क्स. इसके पास सेल्स हैं सारे, एम्ब्रियोनल सेल्स, ब्लास्टोसील कैविटी, सेल्स ऑफ राउबर, लिखो मार्क्स लेके जाओ. और टीएस ऑफ ओवरी कैसे पहचानेंगे? सर बेटा बहुत सिंपल है, पूरा ऐसा पिंक पिंक रहेगा गोल गोल, कहीं एक छोटा सा गोल दिख जाएगा. ये दिखा तो क्या? टीएस ऑफ ओवरी. ये भी कौन से कलर का रहेगा बेटा? पिंक कलर में. ओवरी क्या है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्राइमरी पार्ट, प्राइमरी गोनाड, वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्पॉट डी में जो माइक्रोस्कोप होगा बेटा, आपके पास वहां तीन चांस है. वॉयलेट दिखा तो लिखो टीएस ऑफ टेस्टिस, एकदम पिंक दिखा विद अ गैप और होल तो वीएस ऑफ ब्लास्टुला, पिंकिश दिखा विद अ स्मॉल स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर, आप उसको बोलोगे टीएस ऑफ ओवरी.
दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर स्पॉट डी। अब सवाल उठता है सर नेक्स्ट स्पॉट का, जो है स्पॉट ई। बच्चा स्पॉट ई का जब आप बात करोगे ना, स्पॉट ई, तो स्पॉट ई में एक ही चीज है, पेडिग्री चार्ट। स्पॉट ई में क्या है? पेडिग्री चार्ट। आपको पहचानना है तो पहला चीज तो ये पेडिग्री चार्ट है किसका। देखो आपके पास ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कलर ब्लाइंडनेस। अब कैसे पहचाने सर ये कलर ब्लाइंडनेस का ही है? तो बेटा वहां पे ना एक्स के आगे सी ऐसा लिखा होगा अगर तुम्हारे चार्ट में, तो कलर ब्लाइंडनेस का है, और अगर नहीं लिखा है तो नहीं है कलर ब्लाइंडनेस। के बाद दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास, विडो स्पीक, उससे पहचानोगे, या वो भी नहीं है तो क्या है बेटा, रोलिंग ऑफ टंग। रोलिंग ऑफ टंग, रोलिंग ऑफ टंग कैसे मिले, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। विडो स्पीक कैसा, कैपिटल डब्लू, मतलब अल्फाबेट से ही समझ गए बेटा। देखो विडो स्पीक में डब्लू डब्लू मिलेगा, तो डब्लू से डब्लू विडो स्पीक। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड है, तो एक्स रिलेटेड ट्रेट है ये। मेल नॉर्मल या तो सफरर होंगे, फीमेल नॉर्मल सफरर या तो कैरियर होगी। वही रोलिंग ऑफ टंग ए, तो अल्फाबेट से भी तो क्लियर हो जाता है बेटा, पेडिग्री चार्ट है किसका। तो इस तरीके से आपका स्पॉट ई भी डन हुआ। अब अपने पास आगे चलना है तो गिव मी वन मिनट, मिटाऊं पहले स्पॉट एफ। स्पॉट एफ में क्या आएगा सर, स्पॉट एफ में बेटा ना हम ज्यादा करके डिजीजेस का चार्ट डालते हैं। डिजीजेस सबसे पहला मोस्ट कॉमन क्या डालते हैं, एस्कैरिस। एस्कैरिस एक बाटली में ऐसा वर्म पड़ा रहेगा, वो है एस्कैरिस। एस्कैरिस से जो बीमारी होती है दैट इज एस्कैरियासिस। एस्कैरिस इज अ नेमेटोड, इट्स अ राउंड वर्म, उतना लिखो फुल मार्क्स लेके जाओ। अगर वो भी नहीं रखे तो क्या रखते हैं, ऐसा एक डायग्राम, ऐसा ये क्या है, एंट अमीबा। एंट अमीबा ऐसा डायग्राम रखा दो, इससे क्या होता है, इट कॉजेज अ डिसऑर्डर कॉल्ड एज अमेबियासिस। एंट अमीबा से जो बीमारी होती है बेटा वो क्या है, अमेबियासिस। अगर ये भी नहीं रखा तो फंगस का ऐसे हाइफे रखेंगे या हेयर रखेंगे जो बाल पूरा उखड़ा हुआ रहेगा, तो ये क्या है, इट्स अ रिंग वर्म। बेटा याद रखो ज्यादा करके हम यही तीन में से कोई एक देते हैं, आइदर वी पुट एस्कैरियासिस एंड अमीबा या तो रिंग वर्म, पहचानना बहुत ही सिंपल हुआ। या वो भी नहीं रखे, कभी कभी क्या होता है टीचर जो ना चार्ट रख देता है, चार्ट इधर मॉस्किटो दिखेगा, इधर आरबीसीज दिखेगा, लीवर भाई ये सब दिखा तो सीधा बोलने का चार्ट किसका है, मलेरिया का। वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई। तो स्पॉट एफ क्लियर हो गया, एफ में डिजीज आएंगे चाहे एस्कैरिस एंड अमीबा या तो मलेरिया। क्या लिखना है, द गिवन स्लाइड इज फॉर मलेरिया, इट स्प्रेड्स थ्रू प्लाज्मोडियम। मॉस्किटो एक वेक्टर है, इन ह्यूमन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन मॉस्किटो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे दो पॉइंट तो लिखना है, आराम से लिख के हो जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो। स्पॉट एफ के बाद क्या आता है बेटा, स्पॉट जी। स्पॉट जी जो है ना ये बड़ा टेक्निकल होता है, मियोसिस का स्लाइड रखते हैं। अब उसमें देखने के लिए देखो ज्यादा करके ना वो रखा जाता है जो बहुत इजी होता है, कौन सा, टीलोफेज टू। क्योंकि जब आप उसमें देखोगे आपको ऐसा चार टुकड़ा दिखेगा, और चार टुकड़ा दिखा मतलब ये स्लाइड किसका है, टीलोफेज टू का है। वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई। ये मतलब स्पॉट जी में मैक्सिमम टाइम हम टीलोफेज टू ही रखते हैं, जिससे आपके लिए टीलोफेज टू क्या है, इट्स वन ऑफ द स्टेज ऑफ मियोसिस टू। मियोसिस क्या है, वन ऑफ द सेल डिवीजन, कैसा टाइप, रिडक्शनल सेल डिवीजन। क्या काम में आता है, गैमेट्स बनाने के काम में आता है, स्पर्म और एग बनाने के काम में आता है। बात क्या बेटा, स्पॉट एच। स्पॉट एच में भी अडेप्टेशन आएगा, ये तो इतना प्यारा है ना स्पॉट एच कि हर बच्चे को आना चाहिए। दो तरीके का अडेप्टेशन आप देखोगे, या तो जेरिक या तो एक्वेटिक। अब जेरिक मतलब डेजर्ट में रहने वाले एनिमल, कौन कौन से होते हैं भाई, कैमल, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ ऊंची, इसलिए ऊंट ऊंचा बोल दो। अब कैमल के अलावा अगर नहीं कुछ रखा तो क्या रखेंगे, कंगारू रैट। तो कंगारू रैट रखा बेटा, दोनों डेजर्ट एनिमल है। डेजर्ट एनिमल की खासियत क्या है, थिक लेग्स होंगे, पैडेड फीट होगा, कैमल को हम्प होगा। ये रात में निकलता है कंगारू रैट, पानी नहीं पीते क्योंकि पानी है ही नहीं। कैमल एक बार बहुत ज्यादा पानी पी सकता है। थिक आईलैशेस, नॉस्ट्रिल हेयर कितना सारा है, लेकिन खाली ये लिखो आप, गिवन स्पेसिमेन इज कैमल, इट शोज जेरिक अडेप्टेशन इन एनिमल, तो भी बेटा मार्क्स मिलता है।
एक्वेटिक में क्या आता है बेटा? आपके पास है डॉल्फिन, डॉल्फिन एक्वेटिक मैमल है। डॉल्फिन नहीं दिया तो क्या देते? रोहू। ये पाइसेस को बिलोंग करता है। एक्वेटिक एडेप्टेशन में क्या खासियत है? स्पिंडल शेप बॉडी, पानी को स्विम करके आगे कट करके बढ़ सकते हैं। तो इन स्पॉट एच आपके पास ऑप्शन क्या है? कैमल, कैंगरू रैट, या तो डॉल्फिन या तो रोहू, इन चार में से कोई एक। पहला लिखो वो एनिमल क्या है, फिर लिखो वो एडेप्टेशन कैसा दिखा रहा है, जेरिक या एक्वेटिक। क्लियर है बेटा? स्पॉट एच के बाद अपने पास आता है स्पॉट आई। स्पॉट एच के बाद अपने पास क्या आता है? स्पॉट आई। अब यहां पर ना बेटा स्पॉट आई में हम ज्यादा करके प्लांट का रखते हैं। क्या रखते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या रखते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल। भी क्या? वीएस। अभी ये डायग्राम तो सबने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ऐसे वाला स्कूल में भी कॉलेज में भी बनाए होंगे आप। तो ऐसा कुछ डायग्राम दिखाओ तो एनाट्रोपस ओव्यूल है। लिखो इट्स एन ओव्यूल। सेवन सेल होता है, एट न्यूक्लियस होता है, ये सब लिखो। माइक्रोपाइल होता है, चलाजा होता है, फनिकल होता है। गेट योर मार्क्स। अगर एनाट्रोपस ओव्यूल नहीं रखा बेटा तो क्या रखेगा? बार बॉडी, जो मोस्टली हम नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? एनाट्रोपस ओव्यूल। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब एटलीस्ट टू पॉइंट्स फॉर द सेम। अब आया अपने पास क्या बेटा? लास्ट वाला। आई के बाद क्या आएगा अपने पास? जे। स्पॉट जे में हम मोस्टली क्या रखते हैं? सो वी कीप ब्रेन, या तो आई या तो ईयर। क्या अब आप ब्रेन, आई और ईयर भी नहीं पहचान सकते? सोच के देखो। ब्रेन के बारे में लिखने का फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आई के बारे में लिखो स्क्लेरा है, कोरोइड है, रेटिना है। ईयर के बारे में लिखो आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। इतना भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिलता है। आई होप आपको ये स्पॉटिंग जो है जे तक समझ में आया और आप इजिली अब लिख पाओगे कुछ तो। क्योंकि बेटा एक बात याद रखो, 10 में से 5 मार्क्स आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए मिलता है। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए 5 नंबर लेके जाओ। और अगला 5 मार्क्स किस लिए मिलता है? 2 पॉइंट लिखने के लिए फॉर एवरी स्पॉट। आई होप अब आपको स्पॉटिंग में 10/10 मिल सकता है। मेहनत करोगे कामयाबी मिलेगी। हिम्मत करो, आगे बढ़ो। यकीनन 30/30 डन है।